वेरी एक्सपेंसिव टाउन लाइक बुकावेल रावना सा लग रहा है। और देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं और फिर दादी भी जा रही है। सो हेलो गाइज, मेरा सेकेंड डे ऑफ वकोविल का ब्लॉग है और नींद काफ़ी अच्छी आई, बेड अच्छा था और रूम भी अच्छे थे। कल तो फास्ट था, कुछ खाया गया नहीं, जूस और फ्रूट से अपना फास्टिंग ख़त्म किए। और उसके बाद यहाँ का जो सनराइज़ है बहुत ही मस्त आ रहा है, पिक व्यू आ रहा है बाहर का, देख सकते हो। तो गाइज होटल चेकआउट करके फाइनली अब सेंटर पर पहुँच गए हैं और यहाँ से अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं जीप लाइनिंग के लिए अभी निकल रहे हैं। और सबसे पहला इवेंट आ जाएगा जीप लाइनिंग का, और जीप लाइनिंग करने के बाद फिर देखते हैं ऑफ राइडिंग या एक पार्क है उसमें चलते हैं। लेट्स गो। फाइनली माउंटेन पे चढ़ गए जीप लाइन करने के लिए। तो अभी लंबा सा लाइन देख सकते हैं मेरे पीछे है, तो सोचे क्या थोड़ा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट है तो फिर सोचे पहले तब तक कुछ थोड़ा सा ठंडा पी ले और कॉफ़ी वगैरह कुछ भी, आइस कॉफ़ी वगैरह कुछ भी पी लेंगे या मोजिटो वगैरह जो मिलेंगे तो अच्छा सा कुछ पी के उसके बाद फिर जीप लाइन पर चढ़ते हैं और चलते दिखाते हैं आपको। यहाँ से मस्त सा रेस्टोरेंट का एपिक व्यू भी आ रहा है और ये शहर पूरा पहाड़ों के बीच और पहाड़ों पर ही बसा हुआ है। तो बैक कैमरा से मैं यहाँ का सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह दिखाता हूँ। हाँ वलेरिया, हाय। या तो गाइस वलेरिया भी मिली और ये बताएगी, इसकी मम्मी के साथ भी है, इसकी मम्मी का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। इसकी मम्मी के साथ днем народження можна сказати українською in Ukraine. What do you want to say about this city? Very very different place with extreme, with lazy weekend. You can spend cool time in very expensive town like Bukovel. Thank you. Yes, you're welcome. So I just want to tell that за нами перемога, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Скоро буде час. І перемога за нами. Да, в якій ми будемо всі жити у мирній нашій славній Україні. So guys, कासा के पास आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो प्राइस टैग भी लगी हुई है और ऊपर से आप कैमरा भी ले सकते हो, गोप्रो रेंट वगैरह सारा चीज अगर अपना वीडियो वगैरह बनाना है तो। और यहाँ पे जीप लाइन के लिए, और ये वाली हाई लेवल की है, वो सारी सस्ते वाली थी और इधर ये हाई लेवल वाली थी। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो कि कितना भीड़ आया हुआ है यहाँ पे, टोटल पूरा भीड़ ही, लंबी सी लाइन लग के वेट करने के बाद। और हाउ इज द जोश? हाय हाय। सो गाइस अभी तैयार हो चुके हैं, थोड़ा दिल की धड़कन भी बढ़ रही है, थोड़ा सा हार्ट बीट तेज हो रहा है। सो गाइस यहां पे देख सकते हो 1 पर्सन के लिए 700 UH, 30 से 150 केजी होना चाहिए वजन। और बच्चे के साथ अगर आप हैं 900 UH, वीडियो क्लिप के लिए 200 UH और फोटोग्राफी के लिए 150 UH। परचेज टिकट आर नॉट रिफंडेबल। डरावना सा लग रहा है और देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं और फिर दादी भी जा रही है, छोटी इतनी एजेड दादी है और अब अपने बच्चे के साथ जा रही है, ये डरावना बहुत।
वीडियो का यहाँ पे आपको कैमरा जो लोगे कैमरा का अलग पैसा लगेगा और फोटोज भी लेते हैं वो फोटोज भी ले सकते हो, ये सारा चीज रखते हैं, बस पैसा ही पैसा है, आप पैसा उड़ाओ सब चीज मिलेगा, सारा सुविधा मिलेगा। गाइस फाइनली एक इवेंट मैंने अपना कंप्लीट कर दिया, जिप लाइन इवेंट वाला, और सबसे कॉस्टली यहाँ पे पूरा वोको वेल में यही वाला ही है, क्योंकि इसका जो मेरे को पड़ा टोटल कॉस्ट $20 का पड़ा, और अगर आप साइड से गोप्रो लेते हैं तो $5 का आपको कैमरा का कॉस्ट पड़ेगा, टोटल $25 पड़ जाता है अगर आपको, और उसके बाद अगर आप फोटो चाहते हैं तो फोटो का अलग से आपको 150 UH अलग से फिर देना होगा, तो उसका भी आपको 4.5 या $2.5 उसका भी फोटो का अलग से आपको लगेगा, तो टोटल मतलब आपको पड़ जाएगा $28 से $27। और सचिन भाई ने GoPro लिया था तो हम लोग सोचे साथ में ही हो जाए, क्योंकि एक मैंने मोबाइल अपना दे रखा था पीछे वीडियो बनाने के लिए, और इधर GoPro लिए, तो GoPro में क्या होता है साथ में एक, अगर आप कपल्स में आते हो या डबलिंग करके आते हो, डबलिंग में क्या होगा आप एक GoPro लेगा तो दोनों का उसी में से मैनेज और कैप्चर हो जाएगा सारा चीज़, तो ये आप यहाँ पे एक तरीका से पैसा बचा सकते हो, और पैसा पूरा वर्थ इट रहा, ये नहीं कि पूरा पैसा ये जो $20 लगे वो सारे खराब हो गए, क्योंकि उसका अच्छापन मेरे को ये लगा कि आप वहाँ से व्यू देखते हो, और ये क्योंकि बार बार ये सारी चीज़ करने की नहीं है, एक बार करने की जीवन में आते, क्योंकि अब ये यहाँ कर ले तो फिर दोबारा कहीं करेंगे नहीं, और जो इसकी ऊंचाई थी ये टोटल 1300 मीटर की ऊंचाई थी, और यहाँ से पूरा जो बोले ना क्या, क्योंकि एकदम एक डर सा जो लग रहा था स्टार्टिंग में वो सारा डर ही खत्म हो गया, अब बस स्काई करते हुए। प्राइस पूरा वर्थ इट था, पूरा मजा आया, एकदम सुकून लगा कि हाँ पैसा लगा, लेकिन एक बार लाइफ में करना रहता तो कर लो, सीधी सी बात है। अभी मेरे साथ दाना, did you enjoy this zip line? Yes, of course, it's really interesting and exciting. Is it amazing? Is it worth it? Yes, absolutely. So guys, ये लोग भी बोल रहे हैं कि worth it है, और ये साल में एक बार करना ही चाहिए, मतलब साल में क्या कभी भी लाइफ में एक बार वंस करना चाहिए, क्योंकि पूरा आपको यहाँ से पूरा जो बैक व्यू देख रहे हो वहाँ से आपको 1300 फीट से डायरेक्टली यहाँ आने को मिलेगा, इतना लंबा और पूरा माउंटेन पे है वो सबसे ऊपर में। थैंक यू दाना। सो गाइज अभी आगे चलते चलते एक बताया, अभी तो जो और सारे ग्रुप में आए थे तो उन्होंने बताया कि एक एक्टिविटी और मिली है जो अभी थोड़ी सी लो प्राइस में है, स्विमिंग का, तो वहाँ पे चल रहे हैं, दिखाते हैं कि वहाँ पर स्विमिंग स्पोर्ट है, तो वहाँ पे अगर अच्छा लगा तो स्विमिंग करेंगे, वैसे कॉस्ट्यूम नहीं लाए हैं स्विमिंग का, कपड़े नहीं लाए, बट सोच रहे हैं क्या कि किसी पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे, अगर वहाँ पर अच्छा लगा तो चल के दिखाते हैं अभी आपको लोकेशन। अपने पास ड्रेस है नहीं क्योंकि बस एक सिंगल पीस में आए थे, तो सोचे गीला हो जाएगा, धूप भी चली गई, तो अगर बाद में धूप भी आती है तो फिर दिक्कत हो सकता है, इसके वजह से ये प्लान यहीं पे ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बैग वग लेके दिन भर चलना मुश्किल था। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। और गाइज मेरा ये कहना है कि यहाँ पर आने के बाद क्या है कि हर एक चीज़ कॉस्टली थी, जो इवेंट जो भी इवेंट्स है, और ये इवेंट्स हमने इंडिया में भी कर रखी है कुछ कुछ जगह, तो और जो मेन वाला नहीं किए थे वो वाला मैंने कर लिया, और बाकी सारी इवेंट्स इतनी कॉस्टली है क्या, क्योंकि अपने बजट से बाहर चली जाती है, तो इसकी वजह से। और वीडियो अगर अच्छा चला, अगर वीडियो को आप लोग ज़्यादा प्यार दोगे तो इससे अगर इनकम आई तो कोशिश करेंगे इन फ्यूचर की हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए, लेकिन अभी कुछ आ नहीं रही है इनकम ज़्यादा, तो इसकी वजह से अभी लो बजट पर, तो लो बजट वीडियो भी बन रही है, अगर जैसे ही हाई बजट होगी तो हाई बजट वीडियोज़ भी आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाई व्यूज़, हाई बजट, हाई वीडियो, हाई क्वालिटी वीडियोज़।